الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم هر قسم دی حمد و ثنا هر قسم دی تعریفات हर किस्म की किबरियाई बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जात वास्ते
अनगिनत ला तदाद बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते दस्ते सामीन मुहतरम अरबी महीनों के अंदरों जिहड़ा महीना गुजर रहा है जमातुस्सानी और जमातुस्सानी की 22 तारीख सोमवार का दिन मगरब और ईशा के दरमियान खलीफा बिला फसल नबी अलैहिस्सलाम के नायब आयशा दे बाबा सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी वफात का दिन। तो अज का यह जुम्मा सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी फजीलत उन्हां दा मकाम मर्तबा उन्हां दे फजाइल और मनाकिब तुसां अहबाब दे सामने रखांगा। दुआ करो मैं जो कुछ बयान करां अल्लाह मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और सुन सुना के सानू जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी सिफात अपनान दी तौफीक अता फरमाए। हजरात इस रूहे जमीन पे हजरत आदम अलैहि सलातो सलाम तो लैके सैयदना ईसा अलैहि सलातो सलाम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया व रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मबऊज़ फरमाए ने। फिर दुनिया ते अल्लाह ताला ने हर नबी नू साथी अता कीते ने, लेकिन उन्हां नबियां दे साथियां ने नबियां दे नाल ओह वफा नहीं कीती, ओह नबियां दे नाल मुहब्बत नहीं कीती, वफा शारी ते जोहर नहीं विखाए। जेड़ी वफा जेड़ी मेरे महबूब पैगंबर अली सलातो सलाम दे सहाबा ने विखाई है, ऐसी वफा कि दुनिया के अंदर ऐसिया मिसाल नहीं मिलती। मेरे महबूब पैगंबर अली सलातो सलाम दे कमो पेश 1.5 लाख सहाबा इकराम की जमात के मुतलक अहले हदीस का अकीदा है और साडा ए मनहज है, साडा ए अकीदा है, साडा इस बाप ते ईमान है कि मेरे महबूब पैगंबर अली सलातो सलाम दे सारे सहाबा जन्नती ने। ये साडा मनहज भी है, साडा अकीदा भी है और इस बाप ते साडा ईमान भी है कि नबी दे सारे सहाबा जन्नती ने। नबी अली सलातो सलाम दे सहाबा दे अंदर फजीलत दे इतबार दे नाल फर्क है। नबी अली सलातो सलाम दे सहाबा दे अंदरों सब नालों अफजल ते आला ओ 1400 सहाबा जिन्हां नूं बैते रिजवान करन दा शरफ हासिल होया है, जिन्हां नबी अली सलातो सलाम दे हाथ दे उत्ते हाथ रख के बैत की है, फिर ओदे 1400 सहाबा के अंदरों नबी अली सलातो सलाम दे ओ सहाबा
313 जिन्हां मैदान बदर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम दे नाल वफा कीती है। नबी अलैहिस्सलाम दे नाल वफा शारी ते जोहर वखाए ने उन्हां 1313 दे अंदरों मेरे महबूब पैगंबर दे 10 सहाबा अशरा मुबशरा दे अंदरों मेरे महबूब पैगंबर दे 4 सहाबा खुलफाए राशिदीन जनाबे अबू बकर सिद्दीक जनाबे उमर जनाबे उस्मान जनाबे अली और इन्हां 4 सहाबा चो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़ा मुकामो मर्तबा मिले आए और 1.5 लाख सहाबा चो किसे नू नहीं मिलिया जेड़ा मुकाम सिद्दीक नू मिले है जेड़ी फजीलत जनाबे सिद्दीक दे हिस्से दे अंदर आई है और किसे सहाबी दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और किसे सहाबी नू ए फजीलत अता नहीं कीती। कुरान दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिद्दीक नू यानी सदाकत नू नबियां दे नाल जोड़े आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान है अल्लाह फरमान देने वा मैं يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान दे अंदर इस बाब दा ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया महबूबा तेरी उम्मत दे अंदरों जेड़े बंदे तेरी इताअत करनगे तेरी फरमा बरदारी करनगे तेरी गल मनणगे तेरे नक्शे कदम ते चलणगे मैं रब उन्हां नूं कल क्यामत दा दिन होएगा मैं उन्हां नूं नबियां दा साथ अता करांगा मिन नबीयीन सिद्दीकीन मैं उन्होंने नबियां का साथ अदा करांगा मैं उन्होंने सिद्दीकीन का साथ अदा करांगा। अल्लाह अकबर कबीरा कायनात दे लोगो नबुव्वत तो बाद अगर कोई ओहदा ते कोई मुकाम सजदा ते ओ सदाकत दा ओहदा ते मुकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान दे कौन मुकाम ते इस बात दा जिक्र फरमाया फमल अज़लमु मिम्मन कज़बा अलल्लाहि व कज़बा बिस्सिदक़ी इज़ा अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल काफ़िरीन والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे प्यारे सिद्दीक दी सदाकत नू कुरान दे अंदर बयान फरमाया है कि जदों हक आ गया जदों सोना पैगंबर हक लैके दुनिया ते मबूज आया जदों मैं अपने सोने पैगंबर ते कुरान नू नाजल फरमाया सब नालों पहला जिन्हें मेरे पैगंबर दी सिद्दी तस्दीक कीती ओह मेरे पैगंबर दा सोना सिद्दीक है। अल्लाह अकबर कबीरा कायनात दे लोगो मेरे महबूब पैगंबर दे 1.5 लाख सहाबा इकराम ने नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे उत्ते ईमान लै करके आए कोई रूम तो चलिया मेरे महबूब पैगंबर ते ईमान लै करके आया कोई फारस तो चलिया मेरे महबूब पैगंबर ते ईमान लै करके आया। अल्लाह अकबर कबीरा हर कोई आया उन्हें जनाबे वाला नबी पाक दे मौजदे वेखे ने या किसी ने नबी ते ईमान लिया उन्हें मौजदियां दा मुतालबा किया है कोई निशानी कोई मौजदा वेख्या है लेकिन मैं सदके ते कुर्बान जावा वाह सिद्दीक मैं तेरी अजमत तो जगवारा वाह सिद्दीक मैं तेरी अजमत तो सब कुछ कुर्बान करा तू ईमान लिया है नबी दे कैम ते ईमान लिया है तू नबी को किसी मौजदे का मुतालबा नहीं किया तू नबी को किसी निशानी का मुतालबा नहीं किया
कौन नबी को किसी चीज का मुतालबा नहीं किया। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम जनाबे सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे कोल जांदे ने, आंदे ने सिद्दीक मैं अल्लाह दा नबी हाँ, सिद्दीक मैनू अल्लाह ने हक दे के मबूज फरमाया है, कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो जा। जनाबे सिद्दीक ने कोई गल नहीं की, कोई मुतालबा नहीं किया, किसी मौजदे ते किसी निशानी का मुतालबा नहीं किया, बल्कि नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे कैम ते कलमा पढ़ते ने अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर कबीरा। सिद्दीक मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ते सब नालों पहला ईमान लैके आया मेरे महबूब पैगंबर दा सोना सिद्दीक है। लोगों कौन अबू बकर सिद्दीक है, जिन्हों अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर अतका के आए मुतकी के आए। अल्लाह फरमांदे ने वासायू जन्नब अल अतका अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का वमाली अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजही रब्बिहिल आला वलसौफ़ा यरज़ा। सिद्दीक इंसान जिन्हों अल्लाह दे कुरान दे मुतकी ते परहेजगार के आए। सिद्दीक ओ बंदे जिन्हों अल्लाह दे कुरान ने दीन दे नाल मुखलस इंसान के आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए जरा लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी पाक कलाम के अंदर सिद्दीक दे बारे बड़िया सारिया कुरान आयतां नाजल फरमाया है। मैं सदके ते कुर्बान जावां, कौन जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने, इस उम्मत दा सब नालों अफजल इंसान अबू बकर है। मेरे सोने पैगंबर ने फरमाया अफजलुल अंबिया इबादल बशर, अफजलुल अंबिया इबादल बशर, अंबिया तो बाद सब नालों अफजल इंसान इस धरती ते कोई आया है वो मेरा सोना अबू बकर सिद्दीक है, वो मेरा सोना अबू बकर है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए जरा लोगों, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला नू दा बयान है, उन्हां दे बेटे हजरत मुहम्मद बिन हनफिया अपने बाप सैयदना अली बिन अबू तालब को पुछदे ने अय्युन्नासी खैरुन बाद रसूलिल्लाह काला अबू बकर قُلْتُ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ। मुहम्मद बिन हनफिया सैयदना अली दे बेटे ने अपने बाप सैयदना अली को सवाल करते ने ऐ अबू जान दसो नबिया तो बाद इस कायनात के अंदर सब नालों अफजल कौन है। तो सैयदना अली जवाब देते ने कि नबिया तो बाद सब नालों अफजल इस कायनात के उत्ते अबू बकर सिद्दीक है, ओदे तो बाद सोना उमर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए जरा दूसरे कौर महदी इस मुबारक पढ़नी चाहना, ये जनाबे वाला शिया की तफसीर है, ओदे अंदर ये बात मौजूद है। शिया का मजहब है जनाबे वाला, वो अपनी किताब के अंदर लिखता है हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला नू बयान फरमाया करते सन, उन्होंने किताब के अंदर मौजूद है लस्तो बे मुनकरिन फजला बी बकरिन व लस्तो बे मुनकरिन फजला उमरा वलाकिन अबा बकरिन अफजलू, मैं अबू बकर उमर की फजीलत का मुनकर नहीं हाँ, लेकिन अबू बकर उमर नालों ज्यादा फजीलत वाला है, अबू बकर का मुकाम उमर नालों ज्यादा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कायनात के लोगों,
कौन अबू बकर है। मेरे सोने महबूब पैगंबर को सवाल किया, आका सोने तुम साबना ज्यादा मुहब्बत कि साबना ज्यादा प्यार तुम कि कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे महबूब पैगंबर आई सलाह तो सलाम फरमा देने, मैनू सब नालों ज्यादा प्यार अपनी बीवी आशा दे नाल है। ते पुछन वाला पुछदा आका नहीं मर्दा दे अंदरों कि प्यार कर दे। मेरे आका फरमा देने, मैनू मर्दा दे अंदरों सब नालों ज्यादा मुहब्बत आशा दे बाबा अबू बकर सिद्दीक दे नाल। अल्लाह को अकबर कबीरा, लोगो अल्लाह ने मेरे अबू बकर नू बड़ा मुकाम अता किया, अल्लाह ने मेरे सिद्दीक नू बड़िया शाना ते अजमत अता कीतियां ने। ओ रब क्यों ना अता करदा, मेरे अबू बकर ने सारिया गल्लां नबी दियां बगैर तहकीक दे मनिया ने, बगैर किसी मौजदे तो मनिया ने। मेरे नबी दी एक एक गल नू मन के वखाया जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्। इस तरह मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम मेराज दी रात वापस आ रहे ने, सत्तां आसमानां दी सैर करके जन्नत ते जहन्नम दा नज़ारा करके मेरे सोने पैगंबर वापस आ रहे ने। वापस आंदे आंदे नबी दे दिल दे अंदर ख्याल आया, ये मेरियां गल्लां मन्नेगा कौन, किन्नू दसांगा कौन, मेरी गल ते यकीन करेगा। मेरे आका फरमांदे ने, जिबरील मैं जन्नत ते जहन्नम वेख चला, मैं सत्ता आसमाना दी सैर कर चला, दुनिया ते मेरी गल मन्नेगा कौन, कौन मेरी गल ते यकीन करेगा। जनाबे जिबरील फरमांदे ने, सोनिया परेशान ना हो, गम जदा ना हो, कोई मन्ने ना मन्ने तेरा अबू बकर जरूर मन्नेगा। मैं सदके ते कुर्बान जावा। इस तरह सुबह का दिन चढ़ जाता है ते अबू जाल एंड कंपनी ये हवारी जड़े ने नबी पाक अली सलाह तो सलाम दे कोल आ जाते ने, आके आते ने, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज कोई नवी गल दस, आज कोई नवा जड़ा तेरे नाल मामला पेश आया होए वो सानू दस ना। मेरे नबी पाक फरमाते ने, अबू जाल सुन फिर, मैं मुहम्मद, मैं अल्लाह का नबी, इराब के कुछ हिस्से दे अंदर बैतुल्ला तो बैतुल मकदस दे अंदर गया वा, बैतुल्ला तो मस्जिद अक्सा दे अंदर गया वा, फिर मस्जिद अक्सा तो मैं पहले आसमान तो मैं सत्ता आसमाना ते सिदरातुल मुंतहा दी सैर करके आया, जन्नत ते जहन्नम दे नज़ारे करके आया। इस जालम ने नबी पाक अलैहि सलातु सलाम दा मजाक उड़ाना शुरू कर दिता है, इन्हें अपने हवारियां नाल लिया नबी पाक दा मजाक उड़ांदा है। जनाबे अबू बकर सिद्दीक दे कोल आया, आंदे अबू बकर एक गल ते मैनू दसना, एक बंदा अगर आखे कि मैं बैतुल्ला तो बैतुल मकदस यानी मस्जिद अक्सा दे अंदर गया रात दे कुछ हिस्से दे अंदर, क्या तू बात नू मन लेगा। अबू बकर आंदे ने, मेरी अकल तस्लीम नहीं कर दी, मैं नहीं मन सकता कि महीनों का सफर एक रात दे अंदर किवें हो सकता है। ते अबू जाल आंदे, इत्थे बस नहीं, ओ बंदा ए वी गल आंदा ए कि मैं रात दे कुछ हिस्से दे अंदर सिदरातुल मुंतहा सत्ता आसमाना तो उत्ते गया वा, जन्नत ते जहन्नम भी वेख के आया। अबू बकर आंदे ने, मेरी अकल नहीं मनदी, मैं इस बात नूं तस्लीम नहीं करदा। ते अबू जाल फौरन बोल के आंदा, अबू बकर तेरी अकल नहीं मनदी, ते बात तेरा नबी मुहम्मद कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने अबू जाल दी गल सुनी, फरमांदे ने, अबू जाल बेईमाना गल सुन ले, अगर ये गल मेरे नबी ने कही है, अगर ये गल मेरे नबी ने कही है ते इस गल दे अंदर शकूको शिबाई कोई नहीं। मेरा नबी जा सकता है, मेरा नबी राबते को जिससे दे अंदर वापस आ भी सकता है, एवें ते नहीं। अल्लाह ने मेरे अबू बकर नू सिद्दीक कहा, उन्हें मेरे नबी दी एक एक
गल की तस्दीक की बगैर किसी दलील तो बगैर वेखन तो। अल्लाह अकबर कबीरा कहना आप लोगों कौन मेरा नबी कौन मेरा अबू बकर सिद्दीक नबी पाक अलैहि सलातो सलाम। शिद्दत की गर्मी है मक्के वाले ने मेरे नबी पाक नूं बड़ा सताया नबी पाक नूं बड़ा तंग करते ने नबी पाक नूं बड़ा जनाबे वाला सताया मक्के वाले ने। आसमान तो रब ने हुक्म आर्डर जारी कर दिता सोने मक्का छड़ के मदीने की तरफ हिजरत कर जाओ। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम शिद्दत की गर्मी है नबी पाक ने चादर लपेटी है नबी पाक ने अपना चेहरा मुबारक भी छुपाया है। अबू बकर सिद्दीक दे घर वल तुर पैंदे ने अबू बकर अपने घर के अंदर आराम फरमा रहे ने किसी ने जल्दी दे नाल दरवाजा खटखटाया अबू बकर बाहर आए ने फरमाया अबू बकर अल्लाह दे नबी चादर दे अंदर मुँह छुपा के तेरे घर वल आ रहे ने। अबू बकर अल्लाह दे नबी चादर दे अंदर चेहरा छुपा के तेरे घर वर तेरे घर दे वल आ रहे ने। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नूं परेशान हो जाते हैं अज तो पहला ते अल्लाह दे नबी इस टाइम ते मेरे घर दे अंदर कोई नहीं आए लगता कोई मामला बन गया है ते नबी पाक अलैहि सलातो सलाम जनाबे अबू बकर सिद्दीक दे दरवाजे ते चले जाते हैं। और जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक सलातो सलाम दा इस्तकबाल कीता नाले मामला पुछया के अल्लाह दे नबी की गल बन गई है क्यों अल्लाह दे नबी जी इस टाइम ते आए जे की माजरा बन गया है। नबी पाक फरमांदे ने अबू बकर मामला बड़ा अहम है अल्लाह पाक ने हिजरत करन दियां इजाजतां दे दित्तियां ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात ने हिजरत करन दा हुक्म दे दित्ता है। मैं सदके ते कुर्बान जावां लोगो जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने कोई गल नहीं कीती फौरन नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे नाल हिजरत वास्ते तैयार हो जांदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा कौन मेरा अबू बकर सिद्दीक है कहना आप दे लोगो जिन्हें इस्लाम तो सब कुछ कुर्बान किया है अपने माल नूं इस्लाम वास्ते कुर्बान किया है। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने दुनिया ते जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नूं अपना नायब मुकर्रर कीता है। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे कोल एक बीबी मसला पुछण वास्ते आई है अल्लाह दे नबी मैनूं मसला दसो ना मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने बीबी फिर किसे दिन मसला पुछण वास्ते आ जाई। ए बीबी आंदी अल्लाह दे नबी अगर मैं मसला पुछण वास्ते आवां ते तुसीं मैनूं ना मिलो ते मैं किसी को मसला पूछा। मेरे आका फरमाते ने बीबी ये मसला अगर मैं ना मौजूद होवां मैं ना मिला मेरे नाल मुलाकात ना हो सके ते मसला सिद्दीक कोलों पूछ लई मैं सदके ते कुर्बान जावां। लोगो नबी पाक ने अपनी जिंदगी के अंदर अपना नायब जनाबे अबू बकर सिद्दीक नू बनाया है। जनाबे अबू बकर सिद्दीक नू नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर मसला अता कीता है। अल्लाह अकबर कबीरा नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा नायब जनाबे अबू बकर सिद्दीक है और जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने 17 नमाज़ां नबी अलैहि सलातो सलाम दी जिंदगी दे अंदर नबी अलैहि सलातो सलाम दे मुसल्ले ते पढ़ाइयां ने। और अज कई बदबख्त जलील इंसान बेहया मेरे पैगंबर दे प्यारे अबू बकर दी खिलाफत ते शक करदे ने जिन्हें खिलाफत सैयदना अली कोलों छीनी है। मेरे महबूब पैगंबर अली सलातो सलाम दिया सुन्नत दिया तीन तरीके ने तीन किस्म ने मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम दी सुन्नत दिया फैली सुन्नत कौली सुन्नत तकरीरी सुन्नत। नबी अलैहि सलातो सलाम ने अबू बकर सिद्दीक दी इमामत नू
तिन्ना सुन्नतां दे नाल साबित कीता है। तिन्ना सुन्नतां दे नाल नबी अलैहि सलातो सलाम ने अबू बकर सिद्दीक दी इमामत नूं मनवाया है। नबी अलैहि सलातो सलाम ने अपने फेल दे नाल अबू बकर सिद्दीक दी इमामत नूं मनवाया है। नबी अलैहि सलातो सलाम ने अपने कौल दे नाल अबू बकर सिद्दीक दी इमामत नूं मनवाया है। नबी अलैहि सलातो सलाम ने अपनी तकरीर दे नाल अपनी खामोशी दे नाल अबू बकर सिद्दीक दी इमामत नूं मनवाया है। अगर कोई बंदा शक करदा है अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत ते शक करदा है, मेरे अबू बकर दी इमामत ते शक करदा है, ऐसा बंदा जिंदगी के लानती है। ऐसे बंदे दे नाल इस्लाम दा कोई ताल्लुक नहीं, काफर है ऐसा बंदा जिहड़ा जनाब अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत ते शक करदा है, अबू बकर दे इमाम ते शक करदा है, अबू बकर दी इमामत दे उत्ते शक करदा है, ऐसा बंदा लानती है, इबलीस दा साथी है, जिंदीक इंसान है। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक नू नायब अपनी जिंदगी दे अंदर बनाया है। कोई बंदा जनाब अबू बकर सिद्दीक दी इमामत दा इनकार नहीं कर सकता। नायब नबी दा सोना सिद्दीक, नायब नबी दा सोना सिद्दीक, जेड़े नहीं मने दे ओ खबीस लोगन जलील लोगन। नायब नबी दा सोना सिद्दीक, जेड़े नहीं मने दे ओ खबीस लोगन जलील लोगन। सोने नाल सोना लगा सिद्दीक, सोने नाल सोना लगया सिद्दीक, तायो रब बनाया साईदा रफीक, जेड़े नहीं मने दे ओ खबीस लोगन ओ जलील लोगन। माली असाजे माली असाजे हिजरत दी रात दी बात है, जदों अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं हिजरत करन दा हुक्म दिता, नबी पाक दे कोल मक्के वालियां दियां अमानतां ने, नबी पाक ने ओह अमानतां अली दे हवाले कीतियां, जनाबे सिद्दीक नूं नाल लिया हिजरत वास्ते चले जांदे ने। माली असासे अली दे हवाले, माली असासे अली दे हवाले, लेकिन मोहम्मद सिद्दीक नाले, जेड़े नहीं मने दे ओ खबीस लोगन ओ जलील लोगन। अल्लाहु अकबर कबीरा, लोगो कौन अबू बकर सिद्दीक? अबू बकर सोने दा रुतबा कमाले, अबू बकर सोने दा रुतबा कमाले, सुताज भी सोना सोने दे नाले, नायब नबी दा सोना सिद्दीक, जेड़े नहीं मने दे ओ खबीस लोगन ओ जलील लोगन। अल्लाहु अकबर कबीरा, लोगो कौन अबू बकर सिद्दीक? नबी पाक अलैहि सलातो सलाम एक दिन अपने साहबा दे अंदर तशरीफ फरमाने, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम पुछदे ने अपने परवानिया कोलों, मेरे आका पुछदे ने मन असबहा मिनकुमुल यौम साइमन, तुहाडे अंदरों अज रोजा किन्ने रखे है? सारे साहबा खामोश ने, ताला अबू बकर अना या रसूल अल्लाह, अबू बकर खड़े हुए, आका मैं रोजा रखे आए, मैं सदके ते कुर्बान जावां। लोगो अबू बकर सिद्दीक नेकी दे कम्मां दे अंदर सब नालों अगे, सारे नालों वध के सबकत लै जाण वाला। मेरे आका पुछदे ने मन असबहा मिनकुम अल्यौम साइमन, तुहाडे अंदरों अज रोजा किन्ने रखे है? जनाब अबू बकर सिद्दीक खड़े होए, आका सुनिया मैं रोजा रखे आए। फिर मेरे आका पुछदे ने मन तबा मिनकुम अल जनाजा, मन तबी मिनकुम
मुसलमान भाई का जनाजा पढ़िया है। सारे साहबा खामोश ने, अबू बकर खड़े होया का मैं अज जनाजा पढ़ के आया। फिर मेरे महबूब पैगंबर तीसरा सवाल कर देने, फमन अतअमा मिनकुम अल्यौम मिस्कीनन, आज तुहाडे अंदरों मिस्कीन नूं खाना किन्ने खलाया है। मेरे महबूब पैगंबर दे सारे साहबा खामोश ने, अबू बकर सिद्दीक खड़े होए, आना या रसूल अल्लाह, आका अज मैं मिस्कीन नूं खाना भी खलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब पैगंबर ने चौथा सवाल किया, मेरे आका पुछदे ने, मन आदम मिनकुम अल्यौम मरीजन, आज तुहाडे अंदरों मरीज दी इयादत किन्ने कीती है। सारे साहबा खामोश ने, अबू बकर खड़े होए, आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी, मैं बीमार दी इयादत करके आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों मेरा अबू बकर सिद्दीक नेकी दे कम्मां दे अंदर सब नालों सबकत लैके जाण वाला, सब नालों पहला मरीज दी इयादत करना, रोज़ा रखना, नफली रोज़ा रखना। नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा अल्लाह दी रज़ा वास्ते रोज़ा रख दे, अल्लाह पाक उस बंदे नूं जहन्नम दी अग तो 70 साल की मुसाफत जिन्ना दूर कर देंदे ने। ऐ लोगो, ऐ सर्दी दा मौसम है, ओए मोमिनो, ए तुहाडे वास्ते जनाबे वाला सदा बहार है, जनाबे वाला ए सर्दी दा मौसम तुहाडे वास्ते एक नेकी कमाम दा जरिया है। एदे अंदर रोजे रखिया करो, दिन छोटे हुंदे ने रोजे रखिया करो। मरीज दी इयादत करना बहुत आला दर्जे दी नेकी है। सोने नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भाई दी बीमार कुर्सी वास्ते जांदा है, अगर ओह दिन नूं गया ते शाम तक 70,000 फरिश्ता उस बंदे वास्ते मगफरत दी दुआ करदा है। अगर वो रात नूं अपने मुसलमान भाई दी इयादत वास्ते गया है ना, ते सारी रात दिन चढ़न तक 70,000 फरिश्ते उस बंदे वास्ते मगफरत दियां दुआवां करदे ने। मस्कीन नूं खाना खिलाना बड़ी आला दर्जे दी नेकी है। जनाजा पढ़ना, नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भाई दा जनाजा पढ़ अल्लाह उहद पहाड़ दे बराबर सवाब अता कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ने अबू बकर कोलों चार ही गल्लां पुछियां, चार ही चीज़ां अबू बकर दे अंदर मौजूद ने। रोज़ा भी रखिया है, बीमार दी बीमार कुर्सी भी कीती है, मस्कीन नूं खाना भी खिलाया, जनाजा भी पढ़िया। मेरे पैगंबर ने अपनी नबुव्वत वाली जुबान दे नाल इरशाद फरमाया, मजतमअन फिमरी इल्ला दखल अल जन्ना, जिदे अंदर ए चार खसलतां जमा हो जान, ऐसा बंदा रब दी जन्नत दे अंदर दाखल होएगा। जनाबे सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नेकी दे कम्मां दे अंदर सारे नालों अफजल, सारे नालों अगे, सबकत लै जाण वाले सारे साहबा खामोश ने, कोई नहीं उठिया। जनाबे अबू बकर सिद्दीक ही चार बारी उठे रहे, का कम मैं करके आया। और कौन जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर जनाबे अबू बकर सिद्दीक नूं जन्नत की बशारत दी है। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबी बयान करते ने कि नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने सहाबी सन अंसार उन्हां दे बाग दे अंदर तशरीफ लै गए, ते नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने जिहड़ा काम सी नबी पाक ने काम पूरा कर लिया। ते नबी पाक ने फरमाया कि बाग दा जिहड़ा दरवाजा है ना, मेन गेट, उन्हूं कुंडी ला दे। ते नबी अलैहि सलातु वस्सलाम बाग दे अंदर ही मौजूद ने, दरवाजा खड़किया, सहाबी दरवाजे ते आया, जी कौन है? फरमाया आना अबू बकर, मैं अबू बकर हां। जिहड़ा दरवाजे ते नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ने सहाबी नूं खड़ा कीता सी, उह नबी पाक दे कोल गया, फरमाया अल्लाह दे नबी पार अबू बकर आए ने। फरमाया गल सुन, अबू बकर आया है, नाल अबू बकर नूं अंदर आम दी इजाजत भी दे, ते नाल अबू बकर नूं जन्नत दी बशारत भी दे। और नबी अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत कोलों दुआ करिया करदे सन। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह दे सामने दुआ करिया करदे कि अल्लाह जन्नत दे अंदर जिथे मेरा दर्जा होए उथे नाल सिद्दीक दा भी दर्जा होए। यानी अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
नबी अली सलात व सलाम दे नालों सिद्दीक दुनिया ते नहीं नखेड़िया और आज रोजे दे अंदर मौजूद ने, कबर दे अंदर मौजूद ने, रब ने ओथे भी नहीं नखेड़िया। ते नबी पाक ने दुआ की थी, अल्लाह ने कबूल की थी, अल्लाह ने जन्नत दे अंदर भी जिथे नबी पाक होंगे उथे नाल अबू बकर सिद्दीक। अजी भी कोई बेईमान, कोई लामती, कोई बदबख्त खिंजीर दा बच्चा मेरे सिद्दीक दी सदाकत ते जनाबे वाला हरफ ले आए, मेरी सिद्दीक दी सदाकत ते शक करे, ऐसा इंसान लामती है। ऐसे इंसान दा इस्लाम दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। और जरा सिद्दीक दी जरा सिद्दीक दी खिलाफत नू नहीं मानदा, सिद्दीक दी सदाकत नू नहीं मानदा, ऐसे बंदे दे नाल साडा भी कोई ताल्लुक। लेकिन कई मुसलमान थोड़ा तो मैनू पता नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम मैनू इस बात का बड़ा दुख होंगे और बाद उकात गुस्सा भी आता है कि है मुसलमान नबी दियां गल्लां मनन वाला, सहाबा नू मनन वाला, सिद्दीक नू मनन वाला, जदों बदबख्तां दे नाल बैंदे जिहड़े सिद्दीक नू गालां कढ़दे ने, जिहड़े उमर नू गालां कढ़दे ने, जिहड़े उस्मान अली नू बुरा बोलदे ने, जदों उहनां दे नाल बैंदे ना बड़ी दिल आजारी हुंदी है, दुख लगदा है कि होए मुसलमान इहदे दिल दे अंदर नबी दी मुहब्बत भी होए, सहाबा दी मुहब्बत भी होए, ते यारियां ते जनाबे वाला रिश्तेदारियां पाले, ते शियां दे नाल इन्हां जालिमां दे नाल जिहड़े सुबह शाम मेरे पैगंबर दे सहाबा नूं मंदा बोलदे ने, ऐसा बंदा, ऐसे बंदियां कोलों बचो। इन्हां बदबख्तां दे राफजियां दे नाल यारियां ना लाओ, इन्हां दे नाल रिश्तेदारियां ना पालो। मैनूं इक दसो गल, एक बंदा तुहाडे अब्बे नूं जो गालां कढ़े या तुहाडे किसी खानदान दे विचों किसी बंदे नूं गालां कढ़े, तुहाडे बाप नूं गाल कढ़े, तुहानूं कढ़े, तुहाडे किसी वड्डे नूं गाल कढ़े, सुबह गालां कढ़े ते शाम नूं तुहानूं दावत ते बुलाए, तुसीं जाओगे? जाओगे? एक बंदा जो तुहाडे अब्बे नूं गाल कढ़े, सुबह तुहानूं गाल कढ़े ते शाम नूं तुहानूं कहे आ मेरे घर रोटी खा, जाओगे? जिहड़े कायनात दे सब नालों अफजल इंसान जिन्हों नबी ने अपनी जबान नाल अफजल किया, ओ जालिम बदबख्त इंसान अबू बकर नूं गालां कढ़े, तो उन्हां दे घरां दे अंदर रिश्तेदारियां पाले, उन्हां दे घरां दे अंदर दावतां ते जाए, उन्हां दे नाल बैठ के खाना तलावल करें, तेरा ईमान किथे गया है? तेरी गैरत किथे गई है? तू बगैरत इंसान है, ऐसा इंसान बगैरत है जिहड़ा मेरे पैगंबर दे सहाबा दे दुश्मनां दे नाल यारियां लाए, जिहड़ा बंदा मेरे पैगंबर दे सहाबा दे दुश्मनां दे नाल रिश्तेदारियां जोड़े, ऐसा बंदा लानती है खिंजीर है जिंदगी के खबीस है, जिहड़ा बंदा मेरे पैगंबर दे सहाबा दे दुश्मनां दे नाल बैठ के खाने तनावल खरमाए, उन्हां दे नाल रिश्तेदारियां नूं पाले, उन्हां दे निकाह दे अंदर अपनियां बेटियां दे, ऐसा इंसान कितना मुसलमान है? कोई गैरत खाओ मुसलमानों, गैरत दा मुजाहरा करो। सहाबा दे दुश्मन, ओए सहाबा ने दीन वास्ते साडे तक दीन पहुंचाने वास्ते उन्हें अपनी रिश्तेदारियां छोड़ियां। अज किसी नूं कहिए ना यार वो फलाना बंदा ते इस तरह की करिए जी, फिर रिश्तेदारी है, और रिश्तेदारियां सहाबा दियां नहीं सन, दीन की खातर मेरे पैगंबर दे सहाबा ने। तारीख दियां किताबां पढ़ो, हदीस दियां किताबां उठाओ, एक एक सहाबी की सीरत पढ़ो, तुहानू पता चलेगा उन्हें साढ़े तक दीन पहुँचाने वास्ते कितनियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां, कितनियां मारां खादियां, असीं तो उन्हां दा मुल भी नहीं पाया। इस वास्ते जिहड़े मेरे सिद्दीक दे दुश्मन ने, मेरे उमर दे दुश्मन ने, मेरे उस्मान दे दुश्मन ने, मेरी माँ आयशा दे दुश्मन ने, उन्हां दे नाल कता तालकी करो, उन्हां जालिमां दे नाल साडा कोई ताल्लुक नहीं, साडियां कोई यारियां नहीं, उन्हां दे नाल रिश्तेदारियां निभाणियां ने, मुसलमानां दे नाल बनाओ, मुसलमान मर गए ना। ओ जिहड़ा बंदा सहाबा नूं गाली देंदा ओह बंदा काफर जे ज़िंदीक है, उहदे नाल साडा किसे किस्म दा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन असीं चंद बोटियां दी खातर जिहड़ा जबान दा चस्का है ना, जबान दे चस्के दी खातर
असें अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर देंगे। इस वास्ते साहबा के दुश्मनों के नाल बिल्कुल किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। नबी अलैहि सलातो सलाम दे प्यारे सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अबू बकर ते रहम करे, अल्लाह अबू बकर ते रहम करे कि अबू बकर ने मेरे निकाह दे अंदर अपनी बेटी दी और नाल माल दे नाल अबू बकर ने जनाबे वाला मेरी मदद की थी। जिथे मैनू माल दी जरूरत हुई अबू बकर सिद्दीक ने मैनू माल दिता। हिजरत दी रात अबू बकर सिद्दीक ने मेरी मदद की थी और नबी पाक फरमाया करदे सन कि जिन्ना फायदा मैनू अबू बकर दे माल ने दिता उन्ना किसी और साहबी दे माल ने दिता ही। एक दफा गजवा तबूक का मौका है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि सहाबा जाओ अपने घर चो माल ले आओ। गजवा तबूक का मौका है ते हालात कुछ नसाज सन, इन मुसलमानों को इन्ना मालो दौलत नहीं ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा चो ऐलान किया कि जाओ अपने घर चो माल लैके आओ। ते जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दिल के अंदर ख्याल आया यार अबू बकर जेड़ा हर वरी मेरे नाल नेकी जोगे नंघ जांदा है, हर वरी नेकी जोगे नंघ जांदा है, लेकिन आज मैं अबू बकर नूं अगे नहीं नंघन देना। क्यों? कि अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला नूं माल थोड़ा वाफर सी, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला माल कम सी। ते उमर कहन लगे अज अबू बकर नालों वध माल लैके आवांगा। सारे सहाबा माल लिया रहे ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सुटते, कोई दिरहम दिनार लिया रहा है, कोई जिदे को जो जो है वह लैके आ रहा है। जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, फरमाया उमर की लैके आया? फरमाया अल्लाह नबी घर का जो अद्धा समान सी सारा ही ले आया, अद्धा घर छड आया, अद्धा तुहाडी खिदमत के अंदर पेश किया। अबू बकर सिद्दीक अजे उत्थे ही खड़े ने, उधर मेरे पैगंबर दा अबू बकर सिद्दीक आया, मेरे पैगंबर दा सुसर आया। मेरे आका पुछदे ने अबू बकर की लैके आया? फरमाया महबूबा घर दे अंदर कुछ भी नहीं छड़ के आया, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत छोड़ के आया, घर दे अंदर जिन्ना माल सी सारा ही लाया। जनाबे उमर समझ जांदे ने, जनाबे उमर फरमांदे ने कि ओदे तो बाद मैं कदी भी अबू बकर सिद्दीक नालों सबकत लैके जाने की कोशिश नहीं की थी। मैं समझ गया सा कि मैं अबू बकर सिद्दीक नालों अगे नहीं लंघ सकदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा प्यारा अबू बकर और किन्ना नरम दिल, किन्नी शफकत ते मुहब्बत करने वाले जनाबे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अबू बकर सईदना अबू दरदा रदी अल्लाहु ताला नूं बयान करदे ने कि एक दफा ना मैं ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह ते तशरीफ फरमा, असीं दोवें बह के गल्लां करने पए ते सईदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला नूं अचानक जिहड़े नमूदार होए यानी अबू बकर सिद्दीक आए ते सईदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला नूं ना शलवार दा एक पौंचा थले ते एक पौंचा उत्ते वेख्या होगा, जो बंदा काली काली दे विच तुरे ना ते शलवार बाद बाद उत्ते एक पौंचा थले एक उत्ते, ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू दरदा नूं कहिंदे ने यार अबू दरदा लगदा अज मेरा यार किसी नाल लड़ के आया, अज मेरा सिद्दीक किसे दे नाल लड़ के आया है। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नूं नबी पाक कोल गए, सलाम किया, नबी पाक ने अपने नाल बिठाया। फरमाया अबू बकर की गल है, अज बड़ा परेशान है, बड़ी जल्दी जल्दी नाल आया। ते अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने महबूब सुने आ उम्र दे नाल कोई थोड़ी बहुती उच्ची नीवी हो गई है, उम्र दे नाल थोड़ी गर्मी सर्दी हो गई है, ते बाद दे अंदर मैं परेशान भी होया, मैनू नदामत भी हुई है, मैं उमर को माफी मंगी है लेकिन उमर ने मैनू माफ नहीं किया। हुण इत्थे वेखो कि सुने असीं अबू बकर दी फजीलत दे आ, सईदना अबू बकर दी शान सुनन दे आ, ते अबू बकर दा तरीकाकार की है, अबू बकर दा शान की है, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा तरीका ए सी। सईदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अगर किसी दे नाल उच्ची नीवी हो जाती तो फौरन उहदे कोलों माफी मंग लिया करदे, लेकिन असी कई कई साल हो गए भरा छड़े
ਭੈਣਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਓਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੈਯਦ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸੀ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਮਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਦਾਮਤ ਹੋਈ ਯਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੌਰਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਉਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਸੁਰਖ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਮਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਮੂਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਏ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਉਮਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਟਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾਹਦ ਸਿੱਦੀਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਟਲਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਰਤ ਅਪਣਾਓ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਸਨ ਤਿੰਨ ਸੈਯਦਨਾ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਸੈਯਦਨਾ ਸੁਹੇਬ ਰੂਮੀ ਔਰ ਸੈਯਦਨਾ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਆਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਸੁਹੇਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉੱਠੇ ਸੈਯਦਨਾ ਸਲਮਾਨ ਸੁਹੇਬ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸੀ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਦੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਨਾਬੇ ਸਿੱਦੀਕ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਖਦੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਮ ਇਹ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਬਨ ਦਗਨਾ
एक कबीला सी उन्हां दा सरदार सी जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जी दो हिजरत करन गए ना हबशा दी तरफ ते ने रस्ते दे अंदर जनाबे अबू बकर सिद्दीक नु रोक लिया। फरमाया अबू बकर किथे चले? फरमाया मैनू मक्के वाले ने बड़ा तंग कीता, मैं मक्का छड़ के हिजरत करके हबशे दी तरफ जा रहा। ते ने जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु दे बारे बात कही कि अबू बकर सिद्दीक तेरे जैसे लोग मक्के चो नहीं निकाले जा सकते। क्यों? फरमाया इन्नक तक्सिबुल मादूमा, के तू गरीबा नु कमा के देन वाले है। ओए कमाना तू से, खवाना तू गरीबा नु से। वतहमिलुल कल्ला, और जेड़े ज़ईफ कमजोर लोग सन ना उन्हां दा बोझ तू उठान वाले है। वतुकरियु ज़ईफा, और मेहमान नवाजी तू करने वाला है। वतुईनु अला नवाइबिल हक, और हक दे अंदर जिहड़ियां आजमाइशां परेशानियां आंदियां ने उन्हां नूं कबूल तू करन वाला है। तेरे जैसे सियाने लोग, तेरे जैसे तना लोग, तेरे जैसे नेक लोग जिहड़े मक्के दे अंदरों नहीं कढ़े जा सकदे। ये गल्लां इब्ने दगना, अजे मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, इन्हें जनाबे अबू बकर सिद्दीक दे बारे ये गल्लां कीतियां ने कि सिद्दीक बड़ा नरम दिल है, सिले रहमिया करने वाला है, रिश्तेदारियों जोड़न वाला है, तोड़न वाला नहीं। लेकिन असी सब कुछ खोज छोड़ दे, बस अपनी कली जिंदगी जियो, किसी का किसी को कोई पता नहीं, किसी का कई कई दिन, कई कई महीने हो गए, साल साल गुजर गया। ऐसे ही जालिम, ऐसे सख्त दिल ना, साल साल गुजर गया। कई अपने सके अब्बे नाल नाराज ने, उन्हें कभी अब्बे बुला के नहीं वेखे, कभी अब्बा कह के नहीं वेखे। कई मां नाल नाराज ने, उन्हें कभी मां नूं बुला के नहीं वेख्या। कोई वड्डे नाल नाराज है, कोई छोटे नाल नाराज है, कोई हमसाया नाल नाराज है, कोई सकियां भरावां नाल नाराज है, कोई पता ही किसी नूं नहीं की असीं जिंदगी जी रहे हैं, की पढ़े हैं, की सुने हैं, नबी पाक ने की दसिया है, सहाबा दी सीरत तों सानूं की सबक मिले है, कोई सानूं पता नहीं। इह कदी मुसलमानी होई? दुनिया ते आम दा इंसान मकसद अल्लाह दी इबादत करना, ते इबादत भी उदों ही कबूल होएगी जदों हुकूकुल इबाद सही तरह अदा होणगे। जदों हुकूकुल इबाद च डंडी मारांगे ना, अल्लाह फरमांदे ने मैं अपने हक दे माफ कर देवां, अगर चाहवां ते हक माफ करां, चाहवां ते ना करां, लेकिन हुकूकुल इबाद जिहड़े ने जिन्नी देर तक बंदे माफ ना करेंगे मैं रब भी माफ नहीं करूंगा। इस वास्ते हुकूकुल इबाद दा ख्याल रखिया करो। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी फजीलत तों सानू अज सबक ये मिले है कि गरीबां दे नाल मदद करनी है, सिला रहमी करनी है, रिश्तेदारियां नू तोड़ना नहीं, रिश्तेदारियां नू जोड़ना है, गरीबां ते माल खर्च करना है, नेकी दे अंदर सबकत लै करके जानी है। दीने इस्लाम दे उत्ते अगर परेशानियां अजमाइशां आंदियां ने उन्हां ते सबर करना है, उन्हां नू खुश दिली दे नाल कबूल करना है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा सिद्दीक ओए जिन्हों कल क़यामत दा दिन होएगा जन्नत दे अठां दरवाजे दे अंदरों बुलाया जाएगा। और मैं ये बात पूरी उम्मीद और यकीन दे नाल कहना वा, जिस बंदे नू जनाबे सिद्दीक दे नाल प्यार होएगा, जिस बंदे नू जनाबे सिद्दीक दे नाल मुहब्बत होएगी, कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक उस बंदे नू भी जन्नत दे अठां दरवाजे थाली और बुलाएंगे इंशाल्लाह। अगर तो सानू सिद्दीक दे नाल मुहब्बत ते प्यार है, असी जन्नत दे अंदर सिद्दीक दे नाल होवांगे। नबी पाक ने फरमाया है जिन्हों जिस बंदे दे नाल मुहब्बत होएगी जन्नत दे अंदर वो दे नाल होएगा। ते असी अल्हम्दुलिल्लाह सानू सिद्दीक नाल मुहब्बत है, सानू सिद्दीक नाल प्यार है, सानू सिद्दीक नाल उल्फत है, असी सिद्दीक दी सदाकत तो सब कुछ कुर्बान कर सकने हैं, लेकिन सिद्दीक दी सदाकत ते हरफ नहीं आम देंगे अल्लाह दी रहमत दे नाल। उच्ची है उच्चिया नालों अजमत सिद्दीक दी, उच्ची है उच्चिया नालों अजमत सिद्दीक दी, मौला बुलंद कीती रिफात सिद्दीक दी, उच्ची है उच्चिया नालों अजमत सिद्दीक दी, मौला बुलंद कीती रिफात सिद्दीक दी, सोने इस्लाम उत्तों
सिद्दीक सलाम उतो आका दे नाम उतो सोने इस्लाम उतो आका दे नाम उतो होई नसार सारी दौलत सिद्दीक दी उची है उचिया नालो अजमत सिद्दीक दी मौला बुलंद कीती रिफात सिद्दीक दी जाने कदर जमाना उल्फत बेमिसल खजाना जाने की कदर जमाना उल्फत बेमिसल खजाना आपे हुजूर जानन आपे हुजूर जानन कीमत सिद्दीक दी आपे हुजूर जानन कीमत सिद्दीक दी उच्ची है उच्चिया नालो अजमत सिद्दीक दी मौला बुलंद कीती रिफात सिद्दीक दी अल्लाह इमामत बख्शी इज्जत ते अजमत बख्शी अल्लाह इमामत बख्शी इज्जत ते अजमत बख्शी दिलों ने जाने मिन्नू दिलों ते जानो मिन्नू दिलों ते जानो मिन्नू को मिन्नू अमामत सिद्दीक दी दिलों ते जानो मनिए दिलों ते जानो मनिए इमामत सिद्दीक दी उच्ची है उच्चिया नालो अजमत सिद्दीक दी मौला बुलंद कीती रिफात सिद्दीक दी अल्लाह इमामत बख्शी इज्जत ते अजमत बख्शी दिलों ते जानो मनिए दिलों ते जानो मनिए इमामत सिद्दीक दी उच्ची है उच्चिया नालो अजमत सिद्दीक दी मौला बुलंद कीती रिफात सिद्दीक दी वमै युतिल्लाह वर रसूला फौलाइक मअल्लज़ीना अन्नमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाइ वस्सालिहीना वहसुना उलाइका रफीका। अल्लाह दे हुज़ूर दुआ है कि जो कुछ सुने है सुनाया अल्लाह उदे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए और जानू नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दे सहाबा दी सीरत पढ़ के उदे उते अमल करन दी तौफीक।